हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ कॉर्न टोस्ट। चीज़ कॉर्न टोस्ट बनाने के लिए हमने लिया है ये 3 टेबलस्पून मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर। ये 3 टेबलस्पून हमने वाइट बटर लिया है। ये 1/2 कप हमने बॉईल किया हुआ नमक डाल के बॉईल किया हुआ कॉर्न लिया है। ये 1/2 कप हमने मोजरेला चीज़ लिया है। 1/2 कप प्रोसेस चीज़ है। 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब है। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। दूध हम जैसे हमें चाहिए वैसे यूज़ करेंगे ज़रूरत के अनुसार। और 5 हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो आइए चीज़ कॉर्न टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैंने गैस की फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर कढ़ाई रख ली है। अभी हम ये उसमें वाइट बटर डालेंगे। 3 टेबलस्पून हमने बटर लिया है। पहले हम वाइट सॉस बना लेंगे। इसके लिए बटर और ये हमने मैदा लिया है। ये पहले मैदा हम थोड़ा सा बटर में भून लेंगे। इसमें वाइट सॉस बनाने के लिए मैदा और बटर की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी सॉस क्रीमी बनता है। मैदे को हमने बटर के साथ भून लिया है। अब हम इसमें ये दूध डालेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे तुरंत ऐसे हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना हो, इसलिए हमें ये प्रोसीजर एकदम जल्दी जल्दी करनी पड़ती है। हमें ज़्यादा पतला सॉस नहीं चाहिए, इसलिए हम मीडियम कंसिस्टेंसी का ही सॉस बनाएंगे। अब हमारा वाइट सॉस बन के तैयार हो चुका है। ये इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए वाइट सॉस की, ताकि हमें इसको ब्रेड के ऊपर लगाना है। ये मैं अभी इसमें बॉइल्ड कॉर्न ऐड करती हूँ। इसके साथ ही हमें ये मिक्स हर्ब इसमें डालना है। ये ब्लैक पेपर पाउडर है और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही इसमें हम थोड़ा सा प्रोसेस चीज़ ऐड करेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देंगे। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सभी ब्रेड स्लाइसेस को वाइट बटर लगा लिया है। अब हम ये मिक्सचर इसके ऊपर डालते हैं। इसे मिक्सचर पूरी तरह से हमें इसके ऊपर लगाना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मिक्सचर इसके ऊपर लगाएंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे आए। इसलिए ये देखिए इस तरह से हमने एक ब्रेड स्लाइस पे ये लगा लिया है। इसी तरह से मैं सभी ब्रेड स्लाइसेस पे ये लगा लेती हूँ। पूरी तरह से सभी जगह पे ब्रेड के लगनी चाहिए सॉस जो हमने बनाई है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी ब्रेड स्लाइसेस को जो हमने मिक्सचर बनाया था वाइट सॉस का उसे भर लिया है। अभी इसके ऊपर हम ये थोड़ा सा प्रोसेस चीज डालेंगे। उसके ऊपर ये मोजरेला चीज डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी स्लाइसेस को हमने चीज़ से कोट कर लिया है। अभी मैं इसके ऊपर ये ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये
ये थोड़ा सा मिक्स हर्ब भी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। ये हम थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं। इससे वो दिखता अच्छा है और टेस्ट भी अच्छी आती है। 10 मिनट के लिए हम अभी इसे ओवन में रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चीज़ कॉर्न टोस्ट बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।